Wait a second, I don't need you. Then why so settled? I miswithdrew. Still, it feels just like I'm waiting for something better. Wait a second, I wanna stay up late with my heart in your head. Maybe stare too much, cause you don't understand. You got me gone, you don't understand. स्टेनलेस स्टील के बर्तन किचन में काफी पहले से यूज होते हुए आए हैं और काफी सक्सेसफुल भी रहे हैं, लेकिन एक बात है, कुछ ऐसे बर्तन होते हैं किचन में जिनको कि हम स्टील का लेना पसंद नहीं करते हैं, जैसे कढ़ाइयाँ हुई, भगोने बड़े वाले हुए जिसमें कि हमें बहुत ज्यादा जिसे बहुत देर तक गैस पे रखना पड़ता है। लेकिन अब वो सारे जो मिथ हैं वो सब चेंज हो चुके हैं और किचन में हर तरीके के जो है स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज हो रहे हैं। फिर भी क्या ये सक्सेसफुल होते हैं? क्या हमें अपने किचन में इन बर्तनों को रखना चाहिए? इसके अलावा ऐसे कौन से स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए, और खरीदते समय दिमाग में क्या सारी चीजें रखनी चाहिए? और इसमें भी क्या होती ना, एक ही बर्तन है जो दो तरीके के काम कर सकता है, यानी बहुत सारी बातें हैं जो आज मैं आपसे करने वाली हूँ। और इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, और ऐसे कौन से बर्तन हैं जिन्हें लेने के बाद मुझे मतलब बहुत पछताना पड़ा। और हाँ, एक चीज और इसमें कुछ मैंने नए भी ऐड किए हैं, वो भी आज आपको दिखाती हूँ। किचन कुकवेयर की बात करें तो मुझे मेटल के ही कुकवेयर बर्तन पसंद आते हैं, या फिर जो मैं यूज़ करती हूँ वो ग्लास के आइटम्स यूज़ करती हूँ। हाँ, ब्रास के आइटम्स भी मैं यूज़ कर लेती हूँ अपनी किचन की कुकिंग में, लेकिन उनके साथ बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आज देखती हूँ कि मैं आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के बारे में। ये मेरी विनोद की प्लैटिनम ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई है, जो कि मैं करीब एक साल से यूज कर रही हूँ, और ये बढ़िया चलती है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आती है। थोड़ा सा स्टेनलेस स्टील के अगर मैं आपको एडवांटेज बताऊं तो इसमें जो खाना होता है ना, वो फूड सेफ्टी इसमें मेंटेन रहती है, और जो भी खाने की वैल्यू और न्यूट्रिशन होती है, जो भी आप खा रहे हो वो प्रॉपरली इसमें मेंटेन रहती है। तो इस कढ़ाई को अगर आप कोई भी कढ़ाई लेने की सोच रहे हैं ना, तो आप इस कढ़ाई को ले सकते हैं। इन सब चीजों का लिंक मैं आपको दे दूंगी, और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। अगर स्टील के कुकर की बात करी जाए तो मेरे पास है हॉकिंस का ये 3 लीटर का स्टेनलेस स्टील का कुकर, जो कि मैंने करीब 2 साल पहले खरीदा था, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में ना एक अडेप्टिबिलिटी होती है, यानी इसमें फूड एसिडिक नहीं बनता है, जबकि जो हम खाना खाते हैं जो दूसरी मेटल्स में खासकर एल्यूमिनियम में बनता है ना, वो जो उसे खाते हैं तो वो काफ़ी एसिडिक खाना होता है, मतलब वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये है विनोद की ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई, जो कि 2 साल पहले मैंने कुकर के साथ ही खरीदी थी, लोकल शॉप से, मम्मी के पास गई थी आगरा से। तो ये जो है 3 लीटर की है, परफेक्ट चल रही है, बहुत बढ़िया है ये, और एक मम्मी ने अपने लिए भी खरीदी थी। स्टेनलेस स्टील की जो कुकिंग एबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, इसमें जो हीट होती ना उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है, हीट इवनली जो है फैल जाती है, क्योंकि इसमें इनकैप्सुलेटेड अंदर जो है ना एल्यूमिनियम भी होती है। तो कुकिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टेनलेस स्टील के बर्तन बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर
अगर इडली मेकर की बात करें तो पहले मेरे पास एल्यूमिनियम का था, जिसे मैंने रिप्लेस करके अब स्टील का लिया है। बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। और इसके साथ ना मैंने एक छोटी इडली बनाने का स्टैंड भी ले लिया है। देखो, स्टील के जो बर्तन होते हैं उन्हें साफ करना बहुत आसान है, जो कि अभी मैं आगे के वीडियो में बताऊंगी। और इन्हें मेंटेन करना भी बहुत आसान है, बशर्ते कि आप इन्हें अच्छी क्वालिटी का लें। तो हमेशा ये चेक करिए कि आप कौन से ब्रांड का खरीद रहे हैं, ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है। अच्छी क्वालिटी ही लीजिए। और जहां तक इस इडली स्टैंड की बात है, इसमें तो ब्रेकफास्ट के लिए तरह तरह की इडलियां मैं हमेशा बनाती रहती हूँ। कढ़ाई की एक और सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है डीप फ्राई करने के लिए। तो डीप फ्राई करने के लिए मैं ये हैवी कढ़ाई यूज करती हूँ, जो कि श्री एंड सैम ब्रांड की है। ये हैमर्ड कढ़ाई है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लोकल शॉप पे मिल जाएगी। ये ना तो कोई ट्राईप्लाई है, इसमें कोई भी ट्राईप्लाई नहीं लगी हुई है, बस ये हैवी है। लेकिन इसका ब्रांड अच्छा है, इसलिए ये बहुत अच्छी चल रही है। और इसको तो मैं करीब 2 सालों से लगातार यूज कर रही हूं इस डीप फ्राई के लिए। ये मैंने लिया था विनशेफ ब्रांड का, और ये मैंने इसलिए लिया था ताकि मैं इसमें बना सकूं कुछ दम बिरयानी या वेज बिरयानी टाइप चीजें, जिसमें कि बहुत धीमी गैस पे हमें पैन को रखना रहता है। तो इसमें नीचे की जो बॉटम था वो ट्राईप्लाई था। मैं कुछ बर्तन एल्यूमिनियम के वापस करके आई थी, उसके बाद मैंने इसको लिया था। और इसका हाल देखिए क्या हुआ। इसका जो ये ट्राईप्लाई वाला बॉटम था, ये अलग हो गया और ये अलग है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें किसी ग्लू से चिपका रखा था, जो कि मेटल की कोई ग्लू होगी, कोई जिसे कहते हैं ना, बहुत ही बढ़िया तरह से ये जो है इसके ऊपर नहीं लगा हुआ था। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो अब इसके नीचे की ये जो अब ये मेरे उस किसी काम का नहीं रहा, बल्कि जो इसकी नीचे की लेयर है ये भी बहुत ही पतली स्टील की है। तो जब कभी भी आप स्टेनलेस स्टील के बर्तन खरीदें तो उसमें वारंटी जरूर चेक करें और एक अच्छे ब्रांड का लें। ये मेरा विनशेफ ब्रांड का था, और बाकी के जो मेरे स्टील के बर्तन हैं वो मेयर के हैं, विनोद के हैं, और अब जो मैंने नए लिए हैं वो बोरोसिल ब्रांड के लिए हैं। तो मैं वो भी लेकर आई हूँ, जो अभी आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये थी पहली चीज, जब कभी भी आप स्टेनलेस स्टील के बर्तन लें तो कुछ ऐसा हाल ना हो जाए, ये ध्यान रखिए। ये कढ़ाई तो आपने मेरे वीडियोस में बहुत देखी होगी। इसमें मैं जो हूँ गाजर का हलवा बनाती हूँ। मेरे यहाँ विंटर्स में रेगुलर गाजर का हलवा बनता है, और उसके लिए मेरे पास एक बड़ी कढ़ाई थी जो कि एल्यूमिनियम की थी। जब मैंने एल्यूमिनियम के बर्तन धीरे धीरे करके अपनी किचन से निकाले, तो इस पर्पस के लिए कि मैं ज्यादा गाजर का हलवा बना सकूं, मैंने ये कढ़ाई खरीदी। काफी हैवी है, और ये मैंने हैवी कढ़ाई ये सोच के ली थी कि ये जलेगी नहीं। ये मैंने जो शॉप में उन्होंने मुझे सजेस्ट करी थी, जहां से मैं ये सारी अपने बर्तन खरीदती हूँ, कि ये कढ़ाई बिल्कुल परफेक्ट चलेगी। काफी हैवी, और देखिए बहुत बड़ी कढ़ाई है, जो नॉर्मल हमारी ट्राईप्लाई कढ़ाई आती है उनसे कई गुना ज्यादा भारी है। मुझे इसको लेने का रीजन ये भी था कि इतनी बड़ी ट्राईप्लाई वाली कढ़ाई बहुत ही ज्यादा महंगी होगी, क्योंकि जब छोटी सी ही कढ़ाई उसकी काफी महंगी आती है, तो ये काफी महंगी होगी, ये सोच के मैंने नहीं लिया। और शायद मुझे इस चीज का भी एक शक था कि इतनी बड़ी कढ़ाई मुझे नहीं मिल पाएगी। लेकिन एक लोकल ब्रांड की कढ़ाई लेने का नतीजा ये हुआ कि जब मैं इसको मैंने क्लीन किया तो इसमें बहुत सारे स्क्रैचेस आ गए। ये ट्राईप्लाई की कढ़ाई नहीं है, बस हैवी स्टील की कढ़ाई है, लेकिन इसमें फिर भी जो है नीचे खाना चिपकता है। इसे लगातार मुझे चलाना पड़ता है, और तब जाके जो है खाना इसमें सही बन पाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप कढ़ाई ले रहे हैं स्टील की, तो कभी भी ये सोचकर मत लीजिए कि अगर हैवी होगी तो उसमें खाना नहीं चिपकेगा। आप ये देख के लीजिए कि वो ट्राईप्लाई है कि नहीं है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बिल्कुल सही चीज शेयर कर रही हूं।
लोकल शॉप से मैं लेकर आई थी बोरोसिल के ये दो आइटम, जिसमें एक है ये मिल्क पैन या आप इसे सॉस पैन भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया है, एक अच्छी क्वालिटी है। वैसे मैंने अभी तक इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। ट्राईप्लाई का है इसका बॉटम और इसके साथ एक लिड भी आई है। पहले भी मेरे पास विनोद ब्रांड के थे लेकिन उनमें हैंडल नहीं था, जिससे कि मुझे उसे पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, इसलिए मैंने इसको लिया। इसकी जो लिड है उसमें थोड़े से जो है होल्स बने हुए हैं, जिससे वेपर बाहर निकलती रहती है, और ये ढक्कन जो है ना इसका बार बार उठता नहीं है, खटकता नहीं है। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई इसमें। और लोकल शॉप से ही बोरोसिल का मैंने ये एक फ्राई पैन भी लिया, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। इसका भी बॉटम ट्राईप्लाई का ही है, हैवी है, बहुत ही बढ़िया है, मतलब इसे तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इसको ले लो। लेकिन अगर आपके पास ट्राईप्लाई की कढ़ाई है, जो कि केवल नीचे से जिसमें ट्राईप्लाई लगी होती है, तो आपको इसको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कढ़ाई बहुत सही रहती है, इसे आप पैन की तरीके से यूज कर लीजिए, बिल्कुल इस तरह से, या कढ़ाई की तरह से यूज कर लीजिए। अब आप बोलोगे कि मैंने इसको क्यों लिया, मैं आपको बताऊं, मेरी ये कढ़ाई रेगुलर यूज होती है, तो जब ये गंदी रहती है तो मुझे एकदम से दूसरे बर्तन की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने इसमें सब्जी बना ली तो मुझे एक पैन भी चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने इसको लिया। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन इस तरीके की कढ़ाई का नहीं है, तो आप इसे एक ही रखिए, मतलब दो आप मत लीजिए। स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन आते हैं उसमें एक चीज खास आती है, और वो आती है ट्राईप्लाई। ट्राईप्लाई का मतलब होता है कि दो स्टेनलेस स्टील की लेयर के बीच में एक एल्यूमिनियम की लेयर होती है, जो कि एक मतलब जिससे एक अच्छी हीट कंडक्टिविटी रहे, खाना अच्छी तरीके से पक जाए इसमें। और ये जो आती है ट्राईप्लाई, कुछ बर्तनों में तो केवल नीचे के हिस्से में लगी हुई आती है जो स्टेनलेस स्टील के होते हैं, और कुछ बर्तनों में ये पूरी आती है। तो अगर हम लेते हैं केवल नीचे वाली, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हीट हो वो केवल इसी पे लगे, क्योंकि अगर हीट ऐसी जगह पे आएगी जहाँ पे कि ट्राईप्लाई नहीं है तो ये जल जाता है। और जो बर्तन पूरे आते हैं जिसमें कि पूरी ट्राईप्लाई होती है, जैसी कि मेरे पास एक कढ़ाई भी है, उसमें हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वो ज़्यादा अच्छे होते हैं और ज़्यादा महंगे भी होते हैं। Wait a second, I don't need you. Then why so settled? बात करते हैं धब्बे जो पड़ जाते हैं या जल जाती हैं कढ़ाइयाँ, क्योंकि ये एक बहुत आम तौर पे बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। इसको साफ आप रेगुलर करिए, कुछ नहीं होगा, अदरवाइज आप बराबर क्वांटिटी में पानी यानी कि वाटर और वाइट विनेगर को मिलाकर बॉयल कर लीजिए, और जब इसमें अच्छा बॉयल आ जाए तो 15 मिनट तक उबालने के बाद इसको आप ठंडा होने के लिए रख दीजिए। और उसके बाद हम इसको जो है थोड़ा सा इसमें जो खाने वाला सोडा होता है ना वो इसमें ऐड करेंगे, और उसके बाद जैसे इसे छोड़ दीजिएगा अगेन फिर 10 से 15 मिनट के लिए, और फिर इसका पानी आप खाली कर दीजिए, क्योंकि जो खाने वाला सोडा है या विनेगर है ये गंदगी को बिल्कुल सोख लेते हैं, निकाल देते हैं। थोड़ा जो है बर्तन धोने के साबुन से इसको रगड़िए, कढ़ाई बिल्कुल चमचमा जाएगी, बिल्कुल साफ होके ये रहेगी। कभी कभी जो स्टील के बर्तन होते हैं ना उसमें कुछ रेनबो इफेक्ट आ जाता है, यानी कई कलर्स के वो हो जाते हैं, खासकर तब जब उसमें हीट ज़्यादा लगती है या ऑयल उसमें आप ठंडे बर्तन में ही आप जो है ऑयल डाल के उसे तेज आंच पे रख देते हैं। नींबू का छिलका और खाने वाले सोडे से रगड़िए और उसके बाद बर्तन धोने के साबुन से साफ कर दीजिए रेगुलर, आपके बर्तन में कभी भी स्टेन्स मतलब धब्बे या रेनबो इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये था मेरा कुछ स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप इसी तरह के कुछ और वीडियो अलग अलग किचन के बर्तन कुकवेयर यूटेंसिल्स के बारे में देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।